नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। मेडिकल साथी हेल्थ केयर हॉस्पिटल संस्था का हुआ शुभारंभ। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में सहज जैसी सुविधाओं वाले हॉस्पिटल का किया गया निर्माण। आपको बता दें, प्रयागराज जिले के अंतर्गत करछना कोणार घाट मार्ग पर कुशगढ़ मंदिर से पहले मेडिकल साथी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, जिसमें डॉक्टर रंजन प्रसाद तिवारी इसके फाउंडर और डायरेक्टर हैं। डॉक्टर रंजन प्रसाद तिवारी ने बताया कि गांव के उन क्षेत्रों में जहां अस्पताल की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से इमरजेंसी केस जो कि शहर के लिए ले जाने पड़ते थे और कई बार तो मरीजों की रास्ते में मृत्यु हो जाती थी, उसी से निजात पाने के लिए उनकी संस्था मेडिकल साथी हेल्थ केयर हॉस्पिटल खोलकर शहर जैसी सारी सुविधाएं गाँव के इलाकों में देने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनके पास हेल्थ कार्ड की भी फैसिलिटी उपलब्ध है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मात्र 300 रुपए में साल भर इलाज करा सकता है। इस दौरान डॉक्टर की फीस से लेकर जांच और दवाइयों में भी भारी छूट मिलेगी, साथ ही साथ गरीबों को ज्यादा से ज्यादा छूट दिलवाने का प्रयास रहेगा। इस दौरान डॉक्टर रजन प्रसाद ने बताया कि उनकी कई मोबाइल मेडिकल टीमें गांव के छोटे छोटे इलाकों में जाकर मरीजों की जांच कर दवाइयां वितरण का कार्य भी करती हैं। इस संस्था को चलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी मरीज की जान क्षेत्र में सही तरीके से इलाज ना होने की वजह से ना जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता निशांत तिवारी की खास रिपोर्ट। आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन प्रसाद, MBBS RDCCM, सीनियर फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। मेडिकल साथी हेल्थ केयर का मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। हमारी संस्था एक प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, जिसमें हम लोगों का एक मिशन है कि ऐसे स्थानों पर जहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल ही कहेंगे कि ठीक नहीं है या पूरी तरह से सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, हम ऐसे जगह काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज जहाँ काफ़ी कम हैं, जिसमें हम हॉस्पिटल्स खोलते हैं और वो सारी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करते हैं गांव के दूरदराज इलाकों में, जहाँ पे कि लोगों की जो इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को गांव से सिटी जाने में ही रास्ते में ही लोग दम तोड़ देते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो अनडायग्नोज रह जाती हैं, तमाम क्रॉनिक बीमारियां जो पैर पसार रही हैं गाँव में, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इत्यादि लोगों को पता नहीं रहता, उन सब चीज़ों का आसानी से उनके ही एरिया में इलाज हो सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने तमाम ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास किया है जिससे लोगों को कम से कम दाम में इलाज मिल सके। जैसे हमने प्रीमियम हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है, इसमें कोई भी व्यक्ति मात्र 300 रुपये में पूरे एक वर्ष तक फिजिशियन की परामर्श ले सकता है फ्री, तथा दवाओं पर भी हम भारी छूट देते हैं। लैब टेस्ट में, हमारे भर्ती की प्रक्रिया में, हर चीज़ में हम उस 300 रुपये में काफ़ी छूट देने की प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल मेडिकल यूनिट है, मोबाइल हेल्थ केयर क्लिनिक्स हैं, जिसमें हमारे गाड़ी में हमारे जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब दूरदराज के इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर रेगुलर फ्रिक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं, लोगों का BP, शुगर, ECG, हमारे पास IoT डिवाइसेस हैं जो रिमोट कंट्रोल से किसी भी डॉक्टर से बात कर सकती हैं, वहाँ पे उनके डेटा डायरेक्ट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के पास जो हमारे ही डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम और उस गाड़ी में हम अपने डॉक्टर्स भी भेजते हैं जहाँ की गांव के ऐसे एरियाज में जहाँ कभी सुविधा बहुत ही कम मिल पाती है, वहाँ जाके हम एक उचित इलाज जो सस्ते से सस्ता मेडिसिन, ये सारी चीज़ें किसी भी डॉक्टर के पास जो हमारे ही डॉक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम और उस गाड़ी में हम अपने डॉक्टर्स भी भेजते हैं जहाँ की गांव के ऐसे एरियाज में जहाँ कभी सुविधा बहुत ही कम मिल पाती है, वहाँ जाके हम एक उचित इलाज जो सस्ते से सस्ता मेडिसिन, ये सारी चीज़ें उन मोबाइल मेडिकल यूनिट के थ्रू पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और हमने अभी जो हमारा जो रिसेंटली जो हमने लॉन्च किया है ऐसा अपना हॉस्पिटल मेडिकल साथी हॉस्पिटल,
जो कि कर्सना से कोणार्क घाट वाले मार्ग पे पड़ता है, पुष्कर जगह पे, जो शिव मंदिर के ठीक पहले पड़ता है। वहाँ पे हमने एक 40 बिस्तरों का अस्पताल अभी स्टार्ट किया है, जिसमें OT ICU और तमाम सारी सुविधाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लोगों को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिल सके बहुत ही सस्ते और उचित दाम पे। हमारा यही प्रयास है कि जनता को जितने ट्रांसपेरेंट तरीके से सस्ता व्यवस्था हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि बेहतर स्वास्थ्य सेवा का लोग लाभ उठा सकें।